कर सभी से मुलाकात करते हुए रणधीर गोलन आप देख सकते हैं। ये देखिए सुल्तान सिंह जडोला का हाथ उठाकर इस समय आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। रणधीर गोलन ने भी अपना समर्थन दे दिया है कांग्रेस को। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें देख सकते हैं एक बड़ी माला में स्वागत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुंडरी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुंडरी से इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं भाई कांग्रेस सुल्तान सिंह को ज्यादा वोट, आप देख सकते हैं सुल्तान जडोला को ज्यादा से ज्यादा वोट जिताने की बात कहते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। थाने पहले से मैं क्या करूंगा, कांग्रेस की सरकार बनवा दूंगा यहाँ पे, तुम्हारे किसान का मजदूर का जो हमने फैसले करे हैं ये करेंगे। भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सुल्तान सिंह जडोला को एक एक वोट हो जाएगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उठ जाएगी। मंजूर है आपको, हाथ खड़े करके बता दो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गोलन साहब का सभी का बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुंडरी से इस समय जनसभा कर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुल्तान सिंह जडोला को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, ये तस्वीरें इस समय पुंडरी विधानसभा से देख सकते हैं। सर क्या कुछ पुंडरी से लोगों के क्या अपील करी सर? कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए यहाँ से विधायक बना के भेजें ताकि कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा को फिर से हम जो नंबर वन बनाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सुल्तान सिंह जडोला को जो है आप देख सकते हैं इस समय आशीर्वाद देकर इस समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बिल्कुल दे दिया, रणधीर सिंह गोलन ने भी समर्थन दिया, सभी लोगों ने समर्थन दे दिया आज का। ये आदमी शरीफ आदमी है, अच्छा मौजूद आदमी है, पलाटी आदमी है और इसमें सारी खासियत है। पीछा इसने जो पहला सीपीएस रहा तो लोगों के बड़े अच्छे बहुत काम किए, जो इसने मिला लोगों को दे दिया बिना पैसे। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय पुंडरी में पहुंच चुके हैं, पुंडरी में पहुंच चुके हैं पूर्व का। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुल्तान सिंह जडोला, सुल्तान सिंह जडोला जो पुंडरी से एमएलए उम्मीदवार हैं उनकी जनसभा में इस समय पहुंच चुके हैं। सुल्तान सिंह जडोला भी इस समय साथ साथ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इस समय उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं पुंडरी विधानसभा से, इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सुल्तान सिंह जडोला पूर्व सीपीएस में एमएलए रह चुके हैं, उनकी जनसभा में इस समय पहुंचते हुए। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं सुल्तान सिंह जडोला की रैली में इस समय पुंडरी में पहुंचते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है और पुंडरी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुंडरी से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर सुल्तान सिंह जडोला जो पूर्व पीपीएस वह पूर्व एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में पहले, और आप देख सकते हैं इस समय उन्हीं की जनसभा में यहाँ पर पहुँचते हुए और पूर्व में रहे यहाँ से जो एमएलए रहे रणधीर गोलन उन्होंने भी समर्थन अपना कांग्रेस को दे दिया। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पुंडरी में आयोजित रैली में पहुंच चुके हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं एक एक कर सभी से मुलाकात करते हुए रणधीर गोलन आप देख सकते हैं। ये देखिए सुल्तान सिंह जडोला का हाथ उठाकर इस समय आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। रणधीर गोलन ने भी अपना समर्थन दे दिया है कांग्रेस को। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं तो तस्वीरें देख सकते हैं एक बड़ी माला में स्वागत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुंडरी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुंडरी से इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुल्तान सिंह जडोला जो पूर्व सीपीएस रहे उनकी रैली में पहुंचे हैं। पुंडरी विधानसभा से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पुंडरी विधानसभा के जो नतीजे होते हैं वो पूरे हरियाणा के लोग देखना जरूर जाते हैं। और बात करें रणधीर गोलन की, जो पिछले विधायक रहे आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी कांग्रेस को अभी कुछ दिन पहले समर्थन दे दिया सुल्तान सिंह जडोला के साथ, इस समय
वो भी देखे जा सकते हैं। सभी सरपंच एसोसिएशन आसपास की बड़ी संख्या में जो सरपंच थे उन्होंने सुल्तान सिंह जडोला को अपना समर्थन दिया है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, एक एक कर जो सभी सरपंच हैं वो भी इस समय मंच पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पगड़ी पहनाकर इस समय आप देख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया जा रहा है। सुल्तान सिंह जडोला कुंडरी से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार हैं और उस जनसभा में पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग इस समय आप देख सकते हैं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, इस समय पुंडरी से आप तस्वीरें देख रहे हैं। नंबर वन एसोसिएशन स्वागत कर रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच एसोसिएशन स्वागत कर रही है, उनका स्वागत है। बस भैया स्टेज पे सब जी बैठ जाओ ऐसे। चलिए भाई साहब, अशोक सर जी, अशोक जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, हुड्डा साहब को हम बोका दे करके सम्मानित करेंगे। बैठ जाओ। गंगाराज जी और बहुत साथी हमारे करोड़ा गाँव के, शिशपाल जी करोड़ा है, सभी ने करोड़ा गांव में चौधरी सुल्तान सिंह कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने सरपंचों को, जिला परिषद मेंबर्स को और जितने भी चुने हुए हमारे नेतागण हैं सबकी सरकार के अंदर इंसल्ट हुई है। तो मैं चाहता हूं कि नेताओं का भी किसानों का और मजदूरों का मान सम्मान वापिस दिलाए। बहुत धन्यवाद भाई। हमारे बीच में आजाद उम्मीदवार अमित रमाणा भी समय आप देख सकते हैं कांग्रेस को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय पुंडरी से आप देख सकते हैं। और राजा भी अपने राजा तो ऐसा ही होना चाहिए। हुड्डा साहब जुबान के नहीं है, हुड्डा साहब जो करते हैं वो करते हैं। हुड्डा साहब जैसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। आजाद उम्मीदवार दिलबाग भी आप देखते हैं कुंडरी से समय कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस की आन बान और शान, पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को मार्गदर्शन किया हुड्डा जी के नेतृत्व में। और देखो मेरा राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा नहीं रहा, तो मेरे दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि हुड्डा साहब तो गए हैं बड़े यंग और 65 साल के होंगे और बड़े गजब। लेकिन जब जाके देखा मैंने 77 इयर्स की एज इनकी और इतनी मेहनत देखी हद से ज्यादा, और इनकी उम्र और इनका जो काम करने का तरीका है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आज और का बोलो चौधरी हो जितो जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मान और सम्मान के योग हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई सुल्तान सिंह जडोला जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे छत्ती बिरादरी के सभी भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से और अपने ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का पुंडरी के इस आउटडोर स्टेडियम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गो भाइयों एक ही बात कहनी है, लंबा चौड़ा पास नहीं देना भाई। 5 साल पहला आप सबना मेरे को एमएलए बनाया था, बनाया कि नहीं, कोई काम में छोड़ दिए गए 5 साल में बता दो ना हुड्डा साहब ना वह मेरे लिए जोड़ सी मना दिहाड़ी करी है नी काम के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे दो भाई वोट देगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सुल्तान सिंह ना एमएलए बनागा और हुड्डा साहब ना सीएम बना दो, आपकी एक एक वोट, आपकी एक एक वोट जो चौधरी सुल्तान सिंह बजावेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजावेगी, जब मुख्यमंत्री बनाए जब एमएलए बनाएंगे भाई। और एक बात और सुन ले भाई, छत्ती बरादरी के भाई बैठे, एक हफ्ते का टाइम आप पे, एक हफ्ते मैंने कल भी गई थी अपने ऑफिस में 150-200 आप नौजवान साथी मंत्री के साथ थे, अपने अपने गांव में
अपने अपने मोहल्ले में खुद सुल्तान जिद्योड़ा बनका भूपेंद्र हुड्डा बनका वोट मांग लो। चुनाव बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जिस तरह ताड़ी बिचारे मैं दावे का कहूं आप लोग कर दो जो हफ्ता चुनाव 100% जीतेंगे, हुड्डा साहब ना सीएम बढ़ावांगे, कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। और आज इन सरपंचों का भी धन्यवाद करूं, हुड्डा साहब सारे सरपंच दबकी ला रहे थे मेरे बिना, आज 20 आ लिए सारे के सारे, पूछो मंत्री जी ना सारे स्टेज में बैठे यू देखने, गोलन क्या करेगा, गोलन क्या करेगा। और हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करूं, दीपेंद्र भाई का भी, उन्होंने मेरे को परसों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, मना कांग्रेस पार्टी में आस्था करी, और रणधीर गोलन जोड़ सी बात करेगा उसका पूरा पड़ेगा भाई, मेरे लोग ने भी क्या दिया पता नहीं क्या करेंगे यहां, हम ना कर रखे एक एक वोट हाथ के पंजे में देनी, हाथ के पंजे में दे दोगे, हाथ खड़े करो सारे और बोलो हुड्डा साहब की जय, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो आप देख सकते हैं मौजूदा विधायक रहे पुंडरी के रणधीर गोलन ने भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी है, सुल्तान सिंह जडोला को समर्थन देते हुए वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के किसानों के मजदूरों के 36 बिरादरी के मसीहा, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता, पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री रहे और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के बाद आप लोगों के यहां से सीट जिताने के बाद हरियाणा प्रदेश की 60 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सीटें निकलने के बाद हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पुंडरी में आगमन पर आप सभी 54 गांव से आए हुए 36 बिरादरी के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी भाइयों, आप सब ने बहुत मेहनत कर रखी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरा जोर लगा करके अपने अपने परिवारों में, अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों में पूरा जोर लगा करके आप लोग अपनी सीट निकालने जा रहे हैं। और यहां से हुड्डा साहब ने चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा भाई को टिकट दिया है, 2009 में भी हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलके सुल्तान सिंह को बनाया था कि नहीं बनाया था, बिल्कुल बनाया था, उसी जोश और खरोश के साथ आप लोगों ने पूरी मेहनत करनी है और सरकार बनी बनाई है, अपनी सीट भी आप लोगों ने पूरी संख्या में वोटें देकर के बनानी है। आए और अपने विचार रखें, इससे पहले तो नारे लगाओ, चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ, सिंह हुड्डा धन्यवाद, चौधरी सुल्तान सिंह आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे गांव से आए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो गांव गांव से हमारे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, ब्लॉक समिति के मेंबर है उनका भी धन्यवाद करता हूं, पूर्व सरपंच उनका धन्यवाद करता हूं, मंच पर हमारे साथी गौ हमारे दर्शन के साथ तिरंगा धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद करता हूं। 2014 में आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बनाया, छत्ती बिरादरी ने विधायक बनाया, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैं सीपीएस बनाया, जो आज जो 914 तक पोल्डी हल्के में विकास के काम हुए हैं, 20 सड़कें जो गांव को जोड़ती है, आपस में 8 स्टेडियम, 8 बिजलीघर, 2 ITI,
1000 युवाओं को रोजगार, 36 राज्यों को उदय जी के आशीर्वाद से हमने 1000 युवाओं को रोजगार दिया, 500 करोड़ का विकास के काम हुए, हर गांव की गलियों चुपहरों हर गांव में विकास के काम हुए हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा, जैसे पहले भाईचारा खत्म था, पहले हमने भाईचारा बनाकर रखा, ताकि जातिवाद के जहर गुड़े तक पूर्वी हल्के में हमने भाईचारा बनाकर रखा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और हरियाणा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की लहर चल रही है। आज जोड़कर मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांगता हूं और मैं फिर दोबारा हमारे भावी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो अपने मान सम्मान के बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय आप देख सकते हैं मंच पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पुंडरी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सुल्तान सिंह जडोला की जनसभा में इस समय पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी सुल्तान सिंह जंडोला जी और यहीं से जो विधायक थे हमारे साथी इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, रणधीर सिंह गोलन जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, भाई पंडित जी करोड़ा जी, संचालन कर रहे शहरी साहब तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखो आज तकरीबन सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ पुंडरी और यहाँ पुंडरी में कह के जा रहा हूँ आज कि हरियाणा के 36 बरादरी ने मन बना लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार कहां पे भी गए। और ये क्यों बना, क्यों एकदम बदलाव आया, उसका सबसे कारण बड़ा है कि लोगों ने 2005 और 14 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और 14 से 24 बीजेपी जेजेपी की सरकार, दोनों को तोड़ के देख लिया हमारी उपलब्धि और इनकी विफलताएं। जब 2014 में हमने कांग्रेस सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर एक था पूरे देश में। हालांकि हमारा छोटा सा प्रदेश है, बड़े बड़े यहाँ पे सूबे पड़े हैं और अब 14 से 24 में क्या अंतर हो गया, जो हरियाणा नंबर एक था रोजगार देने में आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। जो केंद्र सरकार का एक होता है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया, मतलब हमारी बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, रोज फिरौती मांगी जाती है, डाके पड़ते हैं और खेल और खिलाड़ियों में आपने खुद देखा जो हमारी पहलवान बेटी जिन्होंने दुनिया भर में हमारा नाम चमकाया उनको आज तक न्याय नहीं मिला, ये प्रसिद्धि है। तो लोगों ने इस वास्ते मन बना लिया। हाँ एक बात जरूर है, आज मैं आया हूँ आपसे निवेदन करने, खास तौर पे आप जाओगे लोगों के पास, आप ये तो लोग तो कहेंगे ठीक है भाई इन्हें तो 10 साल में भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये क्या करेगी, ये बताना है हम क्या करेंगे। वैसे तो हमारा कल घोषणा पत्र जारी होगा लेकिन मोटी मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं जो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपये होगी, विधवाओं की
विकलांगों के भी, और जो गैस का सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और गरीब आदमी की 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। और जो इन्होंने रोजगार में तमाशा दिखाया है ना कि कौशल रोजगार निगम चला दिया है और उसमें भर्ती करे ठेके पर, हमने तो ठेकेदारी सिस्टम खत्म करा था, तो सरकार खुद ठेकेदार बन के बैठ गई, ठेके पर नौकरी देने, ना तो उनकी पेंशन, ना मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन, मतलब जो दलित का बैकवर्ड कास्ट का कोटा बनता था, रिजर्वेशन का कैलेंडर जारी होता था, नहीं किया, कोई रिजर्वेशन नहीं। एक एक तरीका रिजर्वेशन खत्म करने का लोन लिया इन्होंने, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख आज पक्की नौकरी रेगुलर पोस्ट खाली है आज हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई सबसे पहले अपने 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख प्लॉट दिए हमने तकरीबन, और 3 लाख अंकित कर रखे थे, आते ही इन्होंने उसको हटा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज रोड का सिस्टम ही खत्म हो गया, तो हम फिर से शुरू करेंगे। अब के 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। बैकवर्ड कास्ट के लिए हमने 8 लाख क्रीमी लेयर बनाई थी, इनने घटा के 6 कर दी, तो हमारी सरकार आएगी तो उस क्रीमी लेयर को भी हम 10 लाख करेंगे ताकि सबको लाभ पहुंचे इससे। तो मतलब इन्होंने एक तरीके ढूंढे हैं कैसे रिजर्वेशन खत्म की जाए, और किसान का इन्होंने कहा था कि हम आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, बड़ा डढ़ोरा पीटा। भाई ईमानदारी से बताओ, आमदनी दुगनी हो ही थारी किसानों की? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। बीजों का क्या 2014 में क्या भाव था, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है? बिजली का भाव कोई भी देख रहे हो, हम लागत तो कई गुना बढ़ा दी। और एक और नई नया पद्धति शुरू कर दी लोगों को परेशान करने के लिए, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसे किसान के दाने निकले पड़े हैं, जैसे अब बारिश होने हो रही है ना, वह तो फसल तो निकली पड़ी है, जाके मंडी में बेच देता था, MSP मिलती थी हमारे समय में, और अब क्या है, वो दाने निकले पड़े हैं, वो पोर्टल की बात है, पोर्टल चलता नहीं, इतना मुंह बरस गया है, हो गए दाने खराब। ये तो इन्हें सिस्टम बना दिया आपको इस बात का, और कहते हैं हम MSP देते हैं। ईमानदारी से तो बताओ भाई, जब हमारी सरकार थी जीरी के लिए क्या था, बढ़ गया था उनका जीरी गई जार में, बीज जीरी का क्या है 1500 नौ के, जो 4000 रुपए तक हमारे घरों में गई, ये 2200 निकली। और जो MSP जिसकी 2300 उसको 1900-2000 में बेचना पड़ा लोगों को। ये तरीका है भाई किसानों के लिए, तो ये सरकार ना किसान की, ना मजदूर की, ना गरीब आदमी की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की, ऐसा हालत कर दी। अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में मास्टर नहीं पाओगा, दफ्तर में कर्मचारी नहीं पाओगा, कहना का हाल खराब कर दिया। तो मैं तो आपसे यही बात कहने आया हूं, आपसे पूछ लेता हूं सवाल, फिर जवाब दे दूंगा। आप किस पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की चाहते हैं, तो कौन बनाओगा भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार? नहीं, आप बनाओगे MLA बनाएंगे सरकार बनाएंगे MLA, और MLA बनाएगा कौन, तब बनाओगे MLA, ठीक है ना? तब MLA बनाओगे तभी तो सरकार बनाएगी। तो यही कहने आया हूं मैं आपसे भाई, एक बात मेरे कहने से तो मान जाओ, दूसरी बात थारी पे मान जाओ, जो मैंने पूछा है मेरे कहने से तो
भाई कहां गया सुल्तान सिंह को जा वोट। आप देख सकते हैं सुल्तान चढ़ोला को ज्यादा से ज्यादा वोट जिताने की बात कहते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। थाने पहले से मैं क्या करूंगा, कांग्रेस की सरकार बनवा दूंगा यहाँ पे। हमारे किसान का मजदूर का जो जो हमने फैसले करे हैं ये करेंगे। भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सुल्तान सिंह जडाला को एक एक वोट हो जाएगी वो भूपेंद्र सिंह का वोट जाएगी। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गोलन साहब का सभी का बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुंडरी से समेत जनसभा कर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुल्तान सिंह जडोला को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। ये तस्वीरें इस समय पुंडरी विधानसभा से देख सकते हैं। सर क्या कुछ पुंडरी से लोगों के क्या अपील करी सर? कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए यहाँ से विधायक बना के भेजे ताकि कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा को फिर से हम जो नंबर वन बनाए। समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सुल्तान सिंह जडोला की रैली है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं और भीड़ आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो भीड़ है वो भी इस समय देखी जा सकती है। लाइव तस्वीरें इस समय कुंडरी इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। चौधरी सुल्तान सिंह जडोला, चौधरी सुल्तान सिंह जडोला, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पुंडरी से तस्वीरें देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं और कैसे गर्म जोशी से जो पुंडरी के लोग हैं वो इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय पुंडरी से देख सकते हैं। सुल्तान सिंह जडोला इंद्री से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक व पूर्व सीपीएस रह चुके हैं, हाल ही में मौजूदा विधायक रहे जो आजाद विधायक चुने गए थे रणधीर गोलन, उन्होंने भी कांग्रेस को और सुल्तान जडोला को अपना समर्थन दे दिया। रणधीर गोलन ने भी सुल्तान सिंह जडोला को पुंडरी में अपना समर्थन दिया है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय रणधीर गोलन भी मंच पर मौजूद हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं पुंडरी में किस तरह से जो लोग हैं जमकर नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें पुंडरी से देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस ने सुल्तान सिंह जडोला को उम्मीदवार बनाया है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर रैली में पहुंचे हैं। सरपंच नरेश कौर हमारे पबलावा गांव के बहुत बड़े गांव के सरपंच कश्मीर नबी आज चौधरी सुल्तान सिंह जडोला का समर्थन किया, चौधरी साहब का स्वागत करें तालियां बजा करके। गोलन साहब के बिल्कुल खास साथी हमारे छोटे भाई राजेश सिप्सुल ने दलबल के साथ चौधरी सुल्तान सिंह जडोला को समर्थन किया। राजेश सिप्सुल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं मेरे साथियों। गोलन साहब के बहुत बढ़िया साथी सुरेश सरपंच साथ बहुत बड़े गांव के सरपंच है, बहुत युवा है, बहुत संघर्षशील है। सुरेश सरपंच साथ ने दल बल के साथ सुल्तान सिंह जडोला का समर्थन किया। साथियों जोरदार तालियां बजा करके भाई, साथियों तालियां बजाए। पूरी ब्लॉक में सुल्तान सिंह जडोला की आंधी आ चुकी है साथियों। और राजेश मुन्ना रेड्डी गांव के सरपंच युवा साथी राजेश मुन्ना रेड्डी जो बहुत संघर्षशील है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, एक बार राजेश जी के लिए तालियां बजाए भाई। नीतीश खेड़ी सिकंदर युवा साथी जो मंत्री जी के साथ कंध से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुंडरी के और उसके आसपास के तमाम सरपंचों ने सुल्तान सिंह जडोला जो पुंडरी से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दिया है। बहुत संघर्षशील साथी नरेश सरपंच राजीव सरपंच बदनारा ने चौधरी सुल्तान सिंह जडोला का समर्थन किया। साथियों एक बार तालियां बजाकर के स्वागत करें भाई। साथियों बहुत बड़े गांव का जो गांव में पूरी आंधी उठ चुकी है, सारा गांव एक तरफा हो चुका है, कोड़ा गांव, दिनेश सरपंच कोड़ा मौके का, कोड़ा गांव के लिए जोरदार तालियां दोस्तों एक बार। बीच में युवा साथी अंकुश गुच्छी जो कि बहुत पहले से लंबे समय से मंत्री का संघर्ष कर रहे हैं, साथियों एक बार अंकुश जी के लिए तालियां बजाओ।
हमारे ब्लॉक सीटरवर के साथ जो कि रणदीप सिंह गोलू के हमारे विधायक के बड़े साथी हैं, उन्होंने तलवर के साथ स्वागत किया। एक बार जोरदार स्वागत के तालियां बजा करके हुई अशोक चेमन जी का बहुत बहुत मेहरबानी। मोड़ा से महिपाल जी सोनलाल फतेहपुर से, इन्होंने भी तलवर के साथ समर्थन किया है। ये मौके के सरपंच है सोनलाल सरपंच फतेहपुर, तालियां बजा करके स्वागत करें दोस्तों। रणजीत सरपंच जो ऐसी समाज से आता है जो मंत्री जी का बहुत पुराना साथी है दोस्तों, रणजीत सरपंच रसीना ने समर्थन किया है मंत्री जी को, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। अनिल सरपंच अहमदपुर, ये भी मंत्री जी के बहुत पुराने साथी हैं, इन्होंने भी मंत्री जी को पूरा तलवर के साथ समर्थन किया दोस्तों। ये बैकवर्ड समाज से आते हैं, एक बार अनिल जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें दोस्तों। तालियां जरूर बजाते रहे। पुंडरी ब्लॉक में आपके भाई आपके प्रिया नेता सुल्तान सिंह जरोड़ा की अंधी आ चुके हैं दोस्तों। डॉक्टर सतपाल सरपंच साकरा, ये तो ऑलरेडी कॉमर्स ही है, कॉमर्स के टीचारती भी थे, बहुत ही युवा साथी हैं, ये डोर टू डोर जा ही रहे मंत्री जी के साथ में। डॉक्टर सतपाल साकरा का भी धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की अंधी आ चुकी है, उसी प्रकार से पुंडरी ब्लॉक में इलेक्शन जीत तो आपकी निश्चित है साथियों, आप लोगों ने हौसला बनाए रखना है, इस जीत का और अंतर बनाना साथियों। जीत तो आपकी निश्चित है, जीत चुके हैं आप। जब रणदीप सिंह गोलन जी ने दलबल जी के साथ आपको समर्थन किया था, जीत तो आपकी उसी टाइम निश्चित होगी साथियों। इस जीत का अंतर बनाना आपने, एक बार गोलू साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत दोस्तों। दोस्तों कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोस्तों, नारा जोर से लगाओ, नारा आप लगा नहीं रहे। सुल्तान जड़ा, सुल्तान जड़ा, सुल्तान सिंह आगे बढ़ो, सुल्तान सिंह आगे बढ़ो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हमें आदरणीय मंच और परम आदरणीय प्यारी प्यारी जनता, आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने घर से मन बना करके जो चौधरी सुल्तान सिंह को नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए, और उनके सिपा सलार हमारे छोटे भाई सुल्तान सिंह को जिताने के लिए आपने जो जज्बा दिखाया है, मैं आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, राजनीति जाति पाति की बहुत थी सलके में, खत्म। राजनीति पार्टी बाजी की थी, वह भी खत्म। और आज पूरे 6 प्लान पे आजाद बने था, हल्के का उतना विकास नहीं होया। एक तो भाई कोई लाने में गेला खड़ा कर लिया, और एक घर का मेंबर बन गया। मेंबर की ज्यादा चलेगी, जो अपने मेंबर ने तो हमारा आन लह गए, और गेले लाने में किसी ने खड़ा करा उसका कोई लाभ मिलेगा? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना, अगर सच्ची सरकार इन भ्रष्टाचारियों की, दुराचारियों की, कितने अन्याय लड़कियों के साथ किए, कितने कांड इनने कर लिए, जितने भ्रष्टाचारी हो उनने अपने में लड़ाकर वॉशिंग मशीन में धोकर शुद्ध कर दे, ऐसा तो पेंडा छटाना हो, डटका साथ कांग्रेस पार्टी का और सुल्तान सिंह का दियो। ना जाति की, ना पाति की, ना जात की, ना पात की, राजीव जे के साथ की और मोर लग उड्डा जे की बात की, मोर लगेगी हाथ की। धन्यवाद भाई, मैं तो छोड़ गया भाषाणी साहब, धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग अधिकार क्या की सुनते हैं, आपने मेरी इतनी सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पुंडरी में मौजूद है सुल्तान सिंह जडोला की रैली है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं, और इस समय पुंडरी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। पूर्व सीपीए सुल्तान सिंह जडोला को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। खास बात यह है कि कुछ ही दिन पहले जो मौजूदा विधायक रहे रणधीर सिंह गोलन, जो आजाद उम्मीदवार थे पहले, उन्होंने भी अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुल्तान सिंह जडोला कांग्रेस से उम्मीदवार है, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत ज्यादा माहौल है जी, खुला जीत है इसकी, अच्छी जीत है, भारी वोट मतों से जीत है। और डॉक्टर रणधीर सिंह गोलन ने भी समर्थन दे दिया? बिल्कुल दे दिया जी, बिल्कुल दे दिया। रणधीर सिंह गोलन ने भी समर्थन दिया, सभी लोगों ने समर्थन दे दिया इसका। ये आदमी शरीफ आदमी है, अच्छा मौजूद आदमी है, पलाटी आदमी है, और इसमें सारी खासियत है। पीछे इसने जो पहला सीपीएस रहा तो लोगों के बड़े अच्छे बहुत काम किए,
जो इसने मिला लोगों को दे दिया बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के इन बच्चे लगाए। क्या कहना चाहेंगे सुल्तान सिंह जोड़ोला, पहले भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, सीपीएस रह चुके हैं, अब कांग्रेस ने दोबारा से टिकट दिया है, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल देख रहे हैं, पहले वाले काम देख रहे हैं इसके, उस करके बिरादरी है कुछ भी हो सबको सत्य कचरे है साथ में, अब की बार उससे भी ज़्यादा काम कराने की उसकी है। रणधीर गोलन की बात रही, उसके उस टाइम ये नहीं खड़े हुए थे भाई, इनका साथ दिया था रणधीर सिंह का, अब की बार रणधीर सिंह इनके साथ दे रहे हैं। तो रणधीर गोलन ने भी समर्थन दिया है, क्या लगता है और मजबूती मिलेगी इसको? तो मजबूती आ जी, सबसे बड़ा काम इना इलाके में जातिवाद फैल गई थी, इसने उसको मिटा दिया, एक बार जातिवाद ज़्यादा फैल गया था, इसने आंदे ही मिटा दिया उसको, सभी बिरादरी एक आज इसके पक्ष में, जातिवाद नष्ट किया है इस करके बहुत बड़ा फर्क है इस चीज़ का। इना सब जातिवाद तो इस आदमी ने फैलाया नहीं, इस वजह से ये रोड जाति से आवाम भी रोड जाति से हैं, यानी मारे भाई हैं जाट भाई हैं, जैसे पाई गाँव में जाट 60 लड़के लग रहे किसी के लुवाए तो, किसी से कोई पैसा नहीं, इन्हें जाति पाति का तो गोल है ही नहीं बिल्कुल भी, शरीफ आदमी है तो शरीफ आदमी है, कहना है पुंडरी की जनता का। तो बहरहाल ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है जी। सबका साथ सबका विकास कांग्रेस लेके चली है, सुल्तान सिंह जडोला जाति पाति से रहित है। तो सुल्तान सिंह जडोला पुंडरी से एमएलए उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनकी रैली में पहुंचे हैं, लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।